लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। लॉकडाउन 3 के लिए केंद्र सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में बड़ी रियायतें दी हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के लिए बड़ी राहत है क्योंकि उत्तराखंड के 10 जिले ग्रीन जोन में हैं। इसके अलावा 2 जिले ऑरेंज जोन में हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक से खास बात की हमारे संवाददाता शैली श्रीवास्तव ने। लॉकडाउन 3 को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बात करेंगे उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक जी से। सर, केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है लॉकडाउन 3 को लेकर, क्या कुछ उत्तराखंड में व्यवस्था रहेगी? जो लॉकडाउन 3 के गाइडलाइन जारी हुई है कल, उनके अनुसार उन्होंने पूरे देश को 3 भागों में डिवाइड किया है। एक रेड जोन के डिस्ट्रिक्ट है, एक ऑरेंज है, एक ग्रीन है। ग्रीन में ज्यादा सुविधाएं दी हैं, ऑरेंज में कुछ कम दी हैं, रेड में कुछ कम दी हैं। इन सबको लेकर हमने भी राज्य में हमारे केवल रेड जोन उन्होंने हरिद्वार दिया है, देहरादून, दमसिंह नगर और नैनीताल को उन्होंने ऑरेंज में दिया है। लेकिन यहाँ हम लोग पूरी समीक्षा करने के बाद आजकल में हम बैठेंगे, बैठने के बाद क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या छूट देनी है गाइडलाइन के अनुसार, वो हम विचार करेंगे। जो हमारे बाकी जिले हैं जो ग्रीन में, उसमें हम पूरी तरीके से हमने लगभग सारी सुविधाएं देनी है। पहले से भी कुछ हमने ज्यादा दी हुई, हमारे आबकारी के अंतर्गत ठेके खोलने की अनुमति वो हमें है, वो हमें ऑरेंज में भी है, रेड जोन में भी कुछ क्या उसे दिशा निर्देश है उसके अनुसार हम काम करेंगे। कुछ कमर्शियल ऑफिस रेड जोन में भी खुलने की बात है, एसेंशियल सर्विस भी खुलने की बात है, और ऑरेंज और ग्रीन जोन में तो लगभग लगभग काफी कुछ खुलने की बात है। तो इस प्रकार से 4 तारीख के बाद या 4 तारीख से हमें इस हो सकता है इस बीच में और गाइडलाइन आ जाए, कुछ और राज्य को सुविधाएं मिले, कुछ और राज्य को छूट मिले, उसके अनुसार हम राज्य को खोलने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी हमारा राज्य जो हमारे बाकी जनपद है वो ठीक स्थिति में है और काफी वहां हम जो छूट है वो दे रहे हैं। सर, उत्तराखंड और राज्यों की बात की जाए तो उत्तराखंड में अभी भी काफी राहत है क्योंकि कोरोना से ऐसे किसी की मौत भी नहीं हुई है और जो मरीज आए हैं वो ठीक हो गए हैं लगभग, और अभी भी जो एडमिट है उनकी स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। लेकिन अगर ऋषिकेश एम्स को देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं तो उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, एम्स में सरकार ने एम्स के डायरेक्टर से बातचीत की, उनको कहा कि हम और क्या जो आपको आवश्यकता है आप हमें बताइए, उन्होंने जो हमें बताया है उसको हम कर रहे हैं। और ये सही है कि एम्स में जो कल एक पॉजिटिव आया है वो वहाँ का ही एक कर्मचारी इस टाइप में आया है, तो वो और चिंता तो रहती है इस चीज़ के कि जिसकी कोई हिस्ट्री ना मिले उसकी फिर टेंशन और चिंता बढ़ भी जाती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड राज्य में हम और सकता है, इस रूप में एम्स को हमने डायरेक्टर को कहा भी है कि वहाँ जो आने वाले पेशेंट हैं उनकी ठीक से स्क्रीनिंग हो, ठीक से उनकी जांच हो, और अगर इस तरह का कोरोना का कोई संक्रमित व्यक्ति किसी भी रूप में आता है तो उसको फिर उसी रूप में उसका प्रॉपर इलाज हो। सर, चारधाम यात्रा भी है और जिस तरीके से केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं, गंगोत्री यमुनोत्री के खुल गए हैं, इसके साथ ही बद्रीनाथ के कपाट भी खुल रहे हैं, तो क्या श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा सुचारू हो जाएगी? देखिए, अभी पूरी तरीके से लॉकडाउन 3 में जितने इस प्रकार के स्थान है जो धार्मिक स्थल है उनको पूरी तरीके से बैन किया गया, बंद किया गया कि अभी नहीं उनको अनुमति मिलेगी, चाहे वो राजनीतिक आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, और जितने धार्मिक रूप से जो मठ है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, उन सबको अभी इस प्रकार की लॉकडाउन 3 में भी अभी तक छूट नहीं है। आने वाले समय में यदि छूट होगी तो वो छूट किस स्तर की होगी, विद इन स्टेट होगी, विद इन डिस्ट्रिक्ट होगी, या ग्रीन जोन में होगी, या बाहर से कितने परसेंट आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, सब चीजें अभी डिपेंड करेंगी लॉकडाउन 3 की पूरी। अभी और जो बची हुई गाइडलाइन है वो भी आ जाएंगी, हम लोग भी अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी इसमें समय लगेगा। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि अगर उत्तराखंड में आगे केसेस नहीं बढ़े तो जो भारत सरकार की गाइडलाइन है जैसे कि रेस्टोरेंट और होटल अभी नहीं खोलने हैं, मॉल नहीं खोलने हैं, अगर राज्य में पेशेंट नहीं बढ़ते हैं कोरोना के तो क्या इनको खोलने पर विचार कर सकती है सरकार? नहीं, इसमें जो एपिडेमिक एक्ट है इसमें भारत सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन करना ये राज्यों के लिए मैंडेटरी होता है। राज्यों को उतनी ही छूट मिलती है जितनी भारत सरकार देती है, या उतने ही अधिकार रहते हैं जितने भारत सरकार अधिकार राज्यों को देती है। अभी होटल है, मॉल है, रेस्टोरेंट है, या क्या नाम है, सिनेमा हॉल है, इनको अभी छूट नहीं दी गई। जहां तक सवाल आने वाले समय में भी छूट मिलती है तो इस पर हम विचार करेंगे। हमारा ये भी निश्चित है कि अगर कहीं 14 दिन तक कोई नहीं आता कोरोना पॉजिटिव, तो अभी हमारा शायद हरिद्वार जनपद में भी आज 12 दिन हो गए,
कोई पॉजिटिव नहीं आया, अगर 12 दिन के बाद 2 दिन होते तो हम बात करेंगे कि इसमें भी मैं नहीं है, तो पूरा का पूरा हमारा स्टेट वो ऑरेंज और ग्रीन में आ जाएगा, तो और ज्यादा सुविधाएं दे देंगे। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक जी, जिन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन का राज्य में पूरी तरह पालन किया जाएगा। कैमरामैन दीपक जेटली के साथ शैली श्रीवास्तव, स्वराज एक्सप्रेस, देहरादून। ऋषिकेश एम्स में 5 कोरोना पॉजिटिव।